एनसीबी ने कल ही दीपिका पादुकोण को सम्मन भेजा था और सम्मन भेजने के बाद उन्हें 25 तारीख को बुलाया गया है, यानी कि कल बुलाया गया है। और अब दीपिका पादुकोण के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण इस समय अपनी फिल्म की शूटिंग गोवा में कर रही थी और अब वो गोवा से निकलने वाली है। जी हाँ, जब से एनसीबी का सम्मन मिला है तब से दीपिका पादुकोण ने अपने वकीलों या अपने लीगल टीम से बात शुरू कर दिया है और अब दीपिका पादुकोण, खबर आ रही है कि दीपिका पादुकोण इस समय अपने गोवा के होटल से निकल चुकी है और गोवा के होटल से निकलने के बाद वो सीधा सीधी एयरपोर्ट जा रही है और एयरपोर्ट पे वो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन यानी कि प्राइवेट प्लेन से सीधा सीधी बॉम्बे के लिए रवाना होने वाली है। जी हाँ, 12:30 बजे के आसपास वो वहाँ से निकलने वाली है गोवा एयरपोर्ट से और करीब 2:30 बजे के आसपास मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है। जी हाँ, जिस तरीके से दीपिका पादुकोण का ड्रग्स कनेक्शन में मामला सामने आया था वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था और तभी से एनसीबी उनके ऊपर जांच का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दिया था। उनको एनसीबी की जाँच की रडार पर आ चुके थे और अब जो एनसीबी की जांच टीम है उन्होंने 25 तारीख को बुलाया है, यानी कि कल उन्हें एनसीबी के सामने हाजिर होना पड़ेगा। और आज सिम्बोर्ड खंबाटा से एनसीबी कर रही है पूछताछ, तो वहीं रकुलप्रीत सिंह ने सीधा सीधी कहा है कि उन्हें एनसीबी की तरफ से कोई भी सम्मन नहीं दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं वो रकुल सीधा सीधी कह रही है कि उन्हें सम्मन नहीं दिया गया है। लेकिन अब दीपिका पादुकोण, आज उन्हें किसी भी हालत में बॉम्बे होना पड़ेगा और ये खबर पूरी तरीके से पुख्ता हो चुकी है कि दीपिका पादुकोण प्राइवेट प्लेन से अब बॉम्बे आ रही है। 2:30 बजे के आसपास वो लैंड करेगी एयरपोर्ट पे, उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, वो क्या मीडिया के सामने बैठ देंगे, कई सारे सवाल हैं। क्योंकि संबंध से एनसीबी के ऑफिस से जाने से पहले क्या दीपिका पादुकोण मीडिया से इंट्रोगेस करेगी, मीडिया से कुछ अपना शेयर करेगी, कुछ अपने बयान शेयर करेगी, ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन दीपिका पादुकोण फाइनली वो चार्टर्ड प्लेन से अब वो बॉम्बे आने को बिल्कुल तैयार है और वो 2:30 बजे के आसपास वो पहुंच जाएगी मुंबई एयरपोर्ट।